दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए बिजनेस आइडियाज और नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों पेपर प्लेट और डोना का बिजनेस आप 50,000 से लेकर 5,00,000 तक में शुरू कर सकते हैं और हर महीने अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हमने बताया कि आपको कौन कौन से मशीन की जरूरत पड़ेगी, सबसे सस्ती और अच्छी क्वालिटी की मशीन कहाँ मिलेगी, हम कैसे कम पैसों में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, रॉ मटेरियल कौन कौन सा लगेगा और हम सस्ता और अच्छा रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद सकते हैं, बाजार में कैसे सेल करेंगे और हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं, तो वीडियो देखते हैं। तो पेपर प्लेट एक ऐसी वस्तु है जो अलग अलग तरह के फेस्टिवल पे इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो शादी हो या कोई फंक्शन। बहुत हल्के होने की वजह से इसे पिकनिक और पार्टी के लिए भी लेकर जाया जा सकता है। इसके साथ ही ये पेपर से बनता है, इसलिए इसे बड़ी आसानी से नष्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन का खतरा भी नहीं होता है। इतनी सारी क्वालिटी की वजह से मार्केट में इसकी डिमांड काफी बनी हुई है। पेपर प्लेट का बिजनेस कम पैसे में आसानी से शुरू किया जा सकता है। पेपर प्लेट अलग अलग साइज और डिजाइन में आते हैं, इसलिए किसी भी तरह का पेपर प्लेट का बिजनेस काफी आसानी से शुरू किया जा सकता है। दोस्तों इस बिजनेस को हम एक कमरे में मशीन बिठा के इसकी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों पेपर प्लेट का बिजनेस करने के लिए 3 तरीके की मशीन आती है, पहली मैनुअल मशीन, दूसरी सेमी ऑटोमेटिक और तीसरी फुल्ली ऑटोमेटिक। दोस्तों मैनुअल मशीन के जरिए आप हर प्रकार के पेपर प्लेट को बना सकते हैं, चाहे वो थाली हो, नाश्ते की प्लेट हो या डोना हो या फिर इसी तरह के अन्य प्लेट जैसे चाट, समोसा, गोलगप्पा, बर्फी, बुनिया या फिर आइसक्रीम रखने वाली प्लेट। दोस्तों मैनुअल मशीन के जरिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इस मशीन में सारे काम हमें खुद से करने पड़ते हैं। इस मशीन में एक पैडल लगा होता है जिसे बार बार पैरों से दबाकर पेपर प्लेट बनाया जाता है। इसके साथ ही साथ मशीन के डाई में भी पेपर को खुद से अपने हाथ से लगाना पड़ता है। इस तरह दोस्तों इस मशीन के जरिए आप एक बार में 11 से 12 प्लेट या 11 से 12 डोने को बना सकते हैं। मैनुअल मशीन का प्राइस अभी मार्केट में 7,000 रुपए से 25,000 रुपए तक है। मैनुअल मशीन से इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 50 से 70,000 तक इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। वैसे दोस्तों इस मशीन के जरिए मेहनत तो है, बट ये काफी सस्ता और बढ़िया होता है अपने बिजनेस की शुरुआत के लिए। हम अपने बिजनेस की शुरुआत इस मशीन के जरिए कर सकते हैं और सेल बढ़ जाने के बाद ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरी मशीन होती है सेमी ऑटोमेटिक मशीन। इसमें मैनुअल मशीन से कम मेहनत करनी पड़ती है और साथ ही साथ प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ये मशीन सिंगल फेज या 3 फेज बिजली पे चलती है। यह मशीन काफी जल्दी प्लेट बनाती है। इस मशीन के जरिए आप प्रतिदिन 8 घंटे काम करके आप 10 से 12,000 प्लेट बना सकते हैं और रोजाना 12 घंटे काम करके 70 से 80,000 रुपए महीने की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ऑटोमेटिक मशीन मैनुअल मशीन और सेमी ऑटोमेटिक मशीन के कंपेरिजन में काफी ज्यादा तेज होती है और ये उन दोनों मशीन के कंपेरिजन में ज्यादा प्रोडक्शन भी देती है। ये 3 फेज बिजली पे चलती है और इसमें पेपर की थाली, कटोरी, डोना बनाने के लिए इसके पीछे पेपर का रोल लगा दिया जाता है तथा इस मशीन को चालू कर दिया जाता है। इस मशीन से प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके हर महीने 1,00,000 रुपए तक की मोटी आमदनी की जा सकती है। दोस्तों इस बिजनेस में जो रॉ मटेरियल लगता है वो लेमिनेट किया हुआ सिल्वर पेपर ही है। अगर आपको मैनुअल मशीन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो आपको ये सीट के रूप में खरीदना पड़ेगा या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के लिए आप डायरेक्ट रोल ही ले सकते हैं। वैसे आपको अगर किसी और कलर की प्लेट बनानी है तो आपको मार्केट में दूसरे कलर का भी पेपर मिल जाएगा। दोस्तों बाजार में आपको सिल्वर पेपर या लेमिनेट किया हुआ पेपर अच्छी क्वालिटी का 30 से 100 रुपए पर केजी के आसपास मिल जाएगा। इसके अलावा आपको प्लास्टिक की पन्नी और प्लास्टिक की रस्सी भी खरीदनी होगी इसे पैक करने के लिए। आप अपने तैयार माल को 25, 50 या 100 के पैकेट में भी पैक कर दे सकते हैं। दोस्तों पेपर की क्वालिटी हम GSM के जरिए चेक करते हैं, इसलिए हमें बाजार से हाई GSM पेपर ही खरीदना चाहिए ताकि हमारी प्लेट की क्वालिटी अच्छी हो। दोस्तों आप अपने बिजनेस की वैसे दोस्तों सप्लायर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, या फिर आप चाहें तो हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों पेपर प्लेट बनाना बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप पेपर के साइज को मशीन के डाई से थोड़ा बड़ा आकार में काट लें। अगर आपको डोना बनाना हो तो उसके आकार का पेपर काट लें या फिर प्लेट बनाना हो तो उसके आकार का पेपर काट लें, अगर आप मैनुअल मशीन का यूज कर रहे हैं तो। वैसे अगर आप चाहें तो सप्लायर से डायरेक्ट कटी हुई सीट भी खरीद सकते हैं। पेपर प्लेट बनाने के लिए 11-12 सीट को डाई के नीचे रखा जाता है और लीवर को दबाते ही आपकी प्लेट बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद उस प्लेट को आप 25, 50 या 100 का पैकेट बना मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं। और अगर आप ऑटोमेटिक मशीन का यूज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल पेपर का रोल मशीन के पिछले भाग में लगाना होता है, उसके बाद मशीन खुद ही पेपर प्लेट का प्रोडक्शन शुरू कर देगी और आप तैयार प्लेट को अलग कर पैकिंग कर बाजार में बेचने के लिए।
दोस्तों हमें अपने बिजनेस शुरू करने के बाद अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए ताकि हमें कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। वैसे तो एक ज्यादा प्रॉफिट का बिजनेस है और इसके लिए कुछ जरूरी लाइसेंस और सरकारी अनुमतियों की जरूरत होती है ताकि बिजनेस का सारा लेन देन सरकार की नजरों में रह सके। दोस्तों इस बिजनेस को हम इंडिविजुअल पार्टनरशिप में रजिस्टर करा सकते हैं और साथ ही साथ एक बैंक करेंट अकाउंट और फर्म के नाम से पैन कार्ड भी बनवाना होता है। यदि आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन भी बहुत आसानी से मिल जाता है। दोस्तों आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि कोई एक आदमी सिर्फ मार्केटिंग का काम संभाले और अलग अलग जगहों पे जैसे कि होलसेल बाजार या फिर कैटरिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में घूम घूम कर आपके प्रोडक्ट का प्रचार करे। इन जगहों के अलावा आपको अपने प्रोडक्ट के सेल के लिए जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल, फूड स्टॉल या छोटे मोटे चाट समोसा बेचने वालों को भी अपना प्रोडक्ट बेचना होगा, या फिर आपके एरिया में ऐसी दुकानें होंगी जहां से लोग शादी या पार्टी के लिए प्लेट्स खरीदते होंगे, आप उन जगहों को भी टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों हम थोड़ी मेहनत करके अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट में सेल कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट कर हम 40-45% तक प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। वैसे हमें ध्यान रखना होगा कि हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रिटेलर, फूड स्टॉल, होटल्स या रेडी वालों पे ज्यादा ध्यान दें, इससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। वैसे अगर हम होलसेलर को डायरेक्ट भी बेचेंगे तो हमारा प्रोडक्ट थोक में जाएगा बट प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। दोस्तों इस बिजनेस के जरिए हम अगर मैनुअल मशीन से शुरुआत करें तो 50-60 हजार रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। वैसे ही अगर हम ऑटोमेटिक मशीन से प्रोडक्शन स्टार्ट करें तो हम महीने का 1 लाख रुपए तक बड़े आराम से कमा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैनुअल मशीन से अपने बिजनेस की शुरुआत करें और धीरे धीरे बाजार की डिमांड को समझते हुए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। वैसे दोस्तों आपको अगर इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और उसका रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास।